कितना खूबसूरत है कोणार्क मंदिर बनाया गया जो कि उड़ीसा में। भीड़ देखिए किस तरह का भीड़ है, और सामने अभी रास्ता पे है जो ये ट्रेन भी चलती है। गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस इस वक्त हम जो श्री भूमि क्लॉक टावर के पास हो, और यहाँ से भी गाइस मैं इस रास्ता से क्रॉस कर रहा था जो देख सकते हैं बाईपास यानी बाईपास रोड है। इस रोड से मैं उस पार क्रॉस कर रहे थे तभी मेरे जो वो जो पुलिस साहब है यानी प्रशासन वो मुझे पकड़ लिया और मुझसे अभी 100 रुपये फाइन लिए गए। बोले इस रास्ते से क्रॉस घाट रोड के नहीं, इसके अंदर ग्राउंड बना हुआ जो कि अंदर से देख सकते हैं सामने अंदर ग्राउंड है, उस अंदर ग्राउंड से हमको उस पार जाना है। तो चलते हैं उस अंदर ग्राउंड के उस पार, और अभी चल रहे हैं हम सियालदा। तो चलते हैं पहले अंदर ग्राउंड, क्यों अभी 100 रुपये जस्ट अभी भरेगा जी। तो चलिए पहले चलते हैं अंदर, क्योंकि घुट जाते हैं फिर से 100 रुपये लग जाएगा हमसे। तो चलिए, माहौल अच्छा यहाँ का भी है गाइस, मज़ा तो आ रहा है। 100 रुपये भर दिए फालतू में, अगर उस क्रॉस से हम नहीं करते उस बाईपास तो अभी 100 रुपये बचता ना। खाना खाते कि नहीं खाते, चलो कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता मजाक, क्योंकि पहले पहली बार आए तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो चलिए चलते हैं अंडरग्राउंड और दिखाते हैं अंडरग्राउंड का क्या सीन है आपको, ठीक है। यानी इसके ऊपर यानी इसके अंदर अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड के ऊपर देखिए क्या दुकान हुआ है, पूरा सा मॉल यानी पार्क टाइप का बना हुआ जो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत। और यहाँ पे हाथ में मेहंदी उदी वगैरह वगैरह सब लगाया जाता है जो काफ़ी खूबसूरत। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पार्क देख से लगा हुआ है जो देख सकते हैं, और चलते हैं अभी इसके अंडरग्राउंड के अंदर, क्योंकि काफ़ी उत्तेजित हो रहे हैं कि अंडरग्राउंड में पूरा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मतलब क्लीन एंड साफ करके रखा हुआ अंडरग्राउंड। तो चलिए अंडरग्राउंड और उसके बाद चलते हैं। और कुछ ये रहा अंडरग्राउंड का सीन जो देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है, क्लीन कितना रखा हुआ है देखते हैं। ड्राइव स्लो एकदम पूरा मस्त करके रखा हुआ है एकदम, इसे बोलता है क्लीन यानी साफ़ सुथरा। नहीं जब थोड़ा सा भी पैर फिस लगा ना तो गो हाथ तोड़ के बैठ जाएंगे हम लोग, देख सकते हैं। चौ बगल से रास्ता दिया गया है जो बन जा सकते हैं, हम लोग चलेंगे अभी इस रास्ते से। अरे वाह क्या सीन है ना गाइस, मज़ा आ रहा है गाइस, इतना अच्छा खूबसूरती फील हो रहा है ना, क्या बताऊँ। देखिए ना भीड़ भी देखिए काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये देखिए सामने जो है देख सकते हैं, सामने पूरा अंडरग्राउंड ही ग्राउंड है, जो कि हमारे लखीसराय जैसे अंडरग्राउंड देखे थे। और पैर जो नहीं अभी फिसल रहा है, थोड़ा सा जूता ना फिसल रहा है, लगता है गिर जाएंगे, इस तरह से फील हो रहा है। चप्पल जो थोड़ा सा चल नहीं पा रहा है अच्छा से गाइस, मज़ा आ रहा है तो देख सकते हैं। और यहाँ का खूबसूरत की नज़ारा जो देख सकते हैं, सारे परी लोग घूम रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना जगह जगह पर दिया गया है जो प्रशासन के यानी थोड़ा देखभाल करने के लिए किस रोड को किधर जाना है वो बताते हुए रहते हैं, देख सकते हैं। देखने को मेरा दोस्त मिल गया, वो बोला कि भैया मेरे वीडियो डाल दीजिए यूट्यूब पर डाल के, देखते हुए एक्शन करेगा कमोन। देखिए लिख किस, अरे वाह 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 छा गया देख लिए। अंडरग्राउंड ख़त्म हो गया, अब यहाँ से एक ऊपर जाने का सीढ़ी है और एक इधर से जो इस टाइप से जाता है, एक ही साइड जाता है, नहीं दो को सीढ़ी मिलता है। तो हम लोग चलते हैं और अभी अंदर से आए थे, देख सकते हैं भीड़ एकदम, देख रहे हैं मज़ा आ रहा है ना। सो गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालदा रेलवे स्टेशन में, और यहाँ से मैं चल रहा हूँ कल्याण, जो कि देख सकते हैं हम सियालदा रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर खड़ी। और चलते हैं इसके अंदर और ट्रेन पकड़ते हैं, यहाँ से कल्याणी के लिए मुझे ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद उस पंडाल के पास चलेंगे। और इस स्टेशन में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, माहौल इतना बना हुआ है ना मूर्ति देखने लायक, यहाँ जितना भी भीड़ है तो सीधा समझ आए कि रेलवे स्टेशन से पूरा जा रहा हूँ वहाँ पर। तो क्या जैसे देख सकते हैं अभी अंदर घुस गए हैं सियालदा स्टेशन के अंदर घुस गए हैं, जो देख सकते हैं अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह का है, तो देख सकते हैं काफ़ी भीड़ एकदम भरा हुआ है एकदम जो है। और सारे गाइस इस ब्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ स्टेशन के बारे में नहीं दिखाया, और नेक्स्ट ब्लॉग जो आने वाला वो स्टेशन के बारे में काफ़ी खूबसूरत ये स्टेशन सियालदा स्टेशन है। तो नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा उसको स्टेशन के बारे में सिर्फ रहेगा। तो चलिए जल्दी से मुझे फटाफट जाना है अपने डेस्टिनेशन पे, तो चलिए फटाफट। स्टेशन के जस्ट बगल में देख सकते हैं गाइस, यानी कि सारे जो भूलने वाले पूरा सारे की किताब वहाँ पर अगल वगैरह मिल जाएंगे, स्टेशन के जस्ट बगल में ये सारे चीज़ मिल जाएगा। स्टेशन के अंदर ही सारा चीज़ देख सकते, दुकान वकान पूरा भरा हुआ रहता है। तो चलिए गाइस एक चीज़ देख सकते हैं स्टेशन का, आपको एक चीज़ दिखाते हैं, काफ़ी खूबसूरत चीज़ हमको नज़र आ रहा है गाइस, देख सकते पंखा दिख रहा है गाइस, कितना बड़ा पंखा है गाइस। गाइस टिकट तो कटा लिए गाइस कल्याणी के लिए, 15 रुपये एक आदमी पर टिकट के प्राइस पर, और इतना ज़्यादा भीड़ है गाइस बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, शायद जा भी सकते हैं या नहीं जा पाएंगे इसको कोई भी निश्चित नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ है स्टेशन पर देख सकते हैं गाइस। और एक ही ट्रेन आएगा, एक ही पटरी है, तो समझ सकते कितना कष्ट से अभी हम लोग जाने वाले हैं। और इतना सारा भीड़ जब ये स्टेशन पर है तो पता नहीं वहाँ पे कितना सारा भीड़ होगा, वो तो जाने के बाद ही पता चले। काफ़ी मज़ा आएगा इस ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा। आ चुका हूँ
कल्याणी जो कि कोलकाता का एक कल्याणी नाम की जगह गाइज, और काफ़ी खूबसूरत है गाइज, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है जो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग रास्ते में स्टेशन के जस्ट बगल में और कल्याणी स्टेशन के पास में, और यहाँ से भी चल रहे हैं। मुझे आई भीड़ देखिए किस तरह का भीड़ है, और सामने अभी रास्ता पे है जो ये ट्रेन भी चलती है, ट्रेन क्रॉस करके जाना पड़ता है स्टेशन इस साइड में भी और इस साइड में, और भीड़ देखिए क्या किस तरह से आ रहा है। यानी ऐसा कोई ट्रेन है जो कि खाली यहाँ से आ रहे हैं और या भीड़ खाली एकदम भीड़, जो ये सारे भीड़ उमड़ते हुए जा रहे हैं पंडाल की ओर देखने के लिए, और प्रशासन भी यहाँ देखिए लगा हुआ है साथ में। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट जगह पे। देख सकते हैं अभी मैं आ गया हूँ एक चौराहे के पास, जैसे का स्टेशन के पास से आइएगा एक चौराहा है, दो रोड जाता है, आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। देख सकते हैं एक रोड इस तरह से क्रॉस होकर जाता है ना, जिधर जो लाइट लगा हुआ रहता है इस लाइट की ओर जाना, आपको एक रोड इस तरह से रूट जाता है, उस रूट से आपको नहीं जाना, ठीक है। आपको जो सामने वाला सीधे स्टेशन से सीधे जाता है ना, इस रूट की ओर आपको चलना डायरेक्ट, और सामने आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं अपने मकसद की ओर, और नज़ारा देखिए रास्ते का कुछ इस तरह का नज़ारा है जो देख सकते हैं। लाइट इतना रह जाने के कारण गाइस आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं बढ़िया से और अच्छे से। गाइस जब रास्ते में हम जा रहे थे ट्विन टावर की ओर बढ़ते जा रहे थे, तो रास्ते में एक और पंडाल जो कि काफ़ी अच्छा खूबसूरत दृश्य हमको देखने को मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई लोगों को दिखाया जाए, ये पंडाल भी काफ़ी खूबसूरत है गाइस। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को भी देखने में, क्योंकि ये भी ट्विन टावर से कम ही नहीं, बट ऐसा नहीं है गाइस, लेकिन चलिए दिखाते हैं आपको गाइस। स्थानीय लोगों से पता चला कि कोणार्क सूर्य मंदिर जो उड़ीसा का कॉपी किया गया है, काफ़ी खूबसूरत है गाइस। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं जो बैक कैमरा से थोड़ा सा, देख सकते हैं गाइस कितना खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत है ना गाइस, ये कोणार्क सूर्य मंदिर बनाया जो कि उड़ीसा में इसका कॉपी किया गया, उड़ीसा से ही, देख सकते काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी मेहनत के साथ इसको बना के तैयार किया गया, देख सकते हैं। और भीड़ यहाँ भी देखिए, ये सारा जाएंगे ये ट्विन टावर की ओर ही बढ़ते जा रहे, तो रास्ते में ये मंदिर मुझे देखने को मिल गया ये सभी लोग। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह का अंदर का सीन है पहले। सो आई होप गाइस ये ब्लॉग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाला कोई सभी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग ब्लॉग ट्रेवलिंग आते ही रहते हैं, काफ़ी खूबसूरत ट्रेवलिंग का स्टार्ट होने वाला है इस ब्लॉग पे। तो चलिए जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।